हेलो दोस्तों, भाई बहनों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप लोग राजी खुशी सकुशल मंगल होंगे। और मैं भी फिलहाल तो बज रहे हैं 8 और मैं 8 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी हम घर पर ही हैं और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। तो अभी मैं खेत में जाऊँगी और मूंगरी काटनी है। आज मैंने पूरी मूंगरी काटूंगी, मक्का जितनी थी उतने पूरा काटूंगी। ये मेरी लड़की है, अभी कपड़े ऐसे बिखर रखे हैं तो अभी कपड़े रखेंगे। तो कैसे हैं आप? आज तो फिर भी ठीक लग रहा हूँ जिन से। तो और बर्तन वर्तन मैंने सब धो दिए। और मेरा नंबर है गैस वगैरह साफ करने का, तो गैस वगैरह मैंने साफ कर लिया है। सिली पर जल्दी बोल के मैं खेत में नहीं आ रही। उठा रही हूँ ये गैया मैया के लिए दाने के कट्टे हैं। ये दाना, ये चोकर, दलिया खत्म हो रखा। अभी दलिया आज मंगाऊंगी। गैया मेरी सो रखी है, ये भी सो रखी है, बछड़ा उठा है, ये भी सो रखी है। आजा आजा, तो ये कालू भी आ रहा है छोटू। आजा, कहाँ गया? आ या मेरे बाप काल बेरा हो ना मुड़ गया। वो घर चला गया, पता नहीं उसका मूड चेंज हो गया। आ रहा था मेरे साथ खेत में, भाग गया घर। उसने देखा यहाँ घास भी नीचे पूरी, घर भाग गया। रयास की बेल खूब और रखी थी मेरे, पर कीड़ों ने खा दिया, सारे कीड़े लग गए इस पे। तो खूब रयास लगती थी। समाप्त, थोड़ी सी बताऊंगी, दो चार बताऊंगी। मैं उल्टे हाथ से करती हूँ काम, लेफ्टी हूँ। लेफ्टी लेफ्टी भूल गई ना, मुझे तो भूलो हमें नहीं आता इंग्लिश नहीं आती है। तो ये मेरी जेठानी की बहू, यानी कि हमारी बहू छिल रही है मुंगरी, मकई, मक्की बोलते हैं कि हिंदी में, गढ़वाल में बोलते मुंगरी। और मेरा लड़का कर रहा है ये काम। मैंने कहा एक अकेला थक जाता है, मिलकर बोझ उठाना, चल तू भी आ जा, मैंने कहा साथ में लग जा ये। क्योंकि अब थोड़ा यहाँ पे जब टाइम मिलेगा तो राई वगैरह बोएंगे, मूली, राई, मेथी, पालक, जो भी ठंडियों की सब्जी लगती है। क्वाद कितना सुंदर लग रहा है, इतने बड़े बड़े बल्ले पर रखे ना। चलो अब घास काटने जा रहे हैं हम लोग ऊपर। तो ये काट लिया हमने घास, ये शीतल ने काटा है। हाँ मैंने तो कम काटा ये, क्योंकि गैया मैया पेचिस कर रही है ज़्यादा घास खा के, क्योंकि इससे पेचिस हो रही है झुंघरिया से, झंगोरा झंगोरा ये झुंघरिया। तो बन गया हमारा दिन का खाना, चावल और काले चने आलू, और उसने सलाद प्याज का काट रखा है कढ़ाई में, और उधर प्रेशर में चावल। तो अब हम खा रहे खाना, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। 4 बज गए हैं और हम लोग का हो रहा है चाय पानी, चाय पी रहे हैं। ये मीना बैठी है और ये बिस्कुट रहा। बिस्कुट खाने का तो मन नहीं हो रहा, पर रखे हैं यहाँ पे दादी। और जख्या बना रहे हैं आज, मीना का जख्या, ये मीना का जख्या है। तो फर्स्ट बार गई ना तू भी जंगल, वो भी मुझे बनाना नहीं आता, इसलिए दादी को बुला रखा है मैंने। दादी अच्छा सा बनाती है ना, एक एक दाना करके देखते हैं, मिट्टी पत्थर मौसू हटा देते हैं।
मेरे पास भी है। हाँ आ जाना खरीदना है। और क्या जंगल का स्वच्छ जख्या शुद्ध जख्या कूड़ा कूड़ा एक उसमें इकट्ठा। अच्छा अच्छा उधर टप में एक आ गई दूध लेने। गाल हो गए इसके लाल लाल भाग भाग के आती है गाल देखना इसके लाल लाल। और ये हैं भाई लोग ये क्या उठा रहे हैं भूसा भूसा जला के राख बना रखी है और सब्जी के लिए रख रहे हैं राख इकट्ठा करके ताकि सब्जी में खूब खाद पड़े। आज मौसम हल्के हल्के बादल छा रखे हैं। सुबह तो धूप थी पर अब थोड़ा कम है धूप कहीं पे बादल कहीं पे नहीं और गर्मी बहुत तेज हो रही है। मेंड मेंड पे लगा रखा है में धान पूरे खेत में धान मेंढो मेंढो पकवा दे। अक्टूबर से पहले हो जाएंगे धान काटने किसी के अक्टूबर में होंगे। तो ये शाम के 5 बज गए और लोग सड़कों पे घूम रहे हैं ये वॉकिंग कर रहे हैं शाम के टाइम पे। तो मैं यहाँ पे सिलाई की दुकान में आ रही हूँ उसने थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकान है बिनने की तो कपड़े और सिलाई भी करती है कपड़े भी अच्छे सिलते मैं यही सिलाती हूँ अपने कपड़े चाहे ब्लाउज हो फतकी हो या सूट हो। और अभी सिले उसने मेरी सूट ये कपड़े हैं बहुत सारे और अब ठंडे हो गए कपड़े लाएगी ये तो फिलहाल गर्मी हो गए कांतनी चाहे ना तुम असी तो कपड़े वो बहुत अच्छे सिलते हैं जैसे बोलो जिस प्रकार के बोलो ब्लाउज के गले सूटों के गले वो सिल देते सब। मेरे को फतकी सिलवानी थी तो मैं आज आई बहुत दिनों से टाइम नहीं लगा तो मैं आज आई हूँ आज दूंगी फतकी सिलवानी। तो अब रात हो चुकी है और दीदी आई और लेट गई थकान हो गई बल घास काट के आई तो यहाँ पे पार्लर में लेट गई। ठीक ठाक सो बल तुम लोग ठीक ठाक हो तुम लोग। तो अभी हम लोग अब 8 बजे पार्लर बढ़ाएंगे तब घर में जाएंगे तब घर में क्या जाना है तब मैंने छन्नी में जाऊंगी कुट्टी वगैरह काटूंगी गोबर डालूंगी तब जाके मैंने ऊपर जाना है खाना खाने के लिए। तो दीदी और का टाइम पास नहीं हो रहा बल तो यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा बैठने के लिए और भी रहते हैं पर आज कोई नहीं आया। दीदी आई आ गए ऊपर रात का खाना हमारा तैयार हो रखा है मेरी बेटियों ने बना दिया तो अब हम लोग रात का खाना खाते हैं। अब हम लोग डिनर करेंगे और आज की वीडियो इतनी फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय वीडियो को।